गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सहयोगियों के साथ मनाया महाशिवरात्रि का पर्व। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के बाद बड़ी संख्या में लगाया बिल्व वृक्ष। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर समस्त सनातन धर्मी आज भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की हर जगह भीड़ लगी हुई है। भगवान भोलेनाथ के इस पावन महाशिवरात्रि के पर्व पर गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके मिश्रा ने अपने सहयोगियों के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। रुद्राभिषेक करने के पश्चात उनके द्वारा बड़ी संख्या में बिल्व वृक्ष सहित अनेक प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीके मिश्रा की मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने के उपरांत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय ने लोगों को प्रसाद वितरण किया। बड़ी संख्या में लोग आज के दिन व्रत रहते हैं, इसलिए फलाहार का विशेष प्रबंध किया गया था। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया तथा भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाया। रात्रि में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान भोलेनाथ का भांग से श्रृंगार किया गया तथा भजन कीर्तन के साथ ही आगंतुकों को भजन प्रसाद स्वरूप ठंडाई का सेवन भी कराया गया। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। नमस्कार बंधुओं, मैं बीके मिश्रा, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ गीता गंगा रक्षा मंच। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, महापर्व पर सभी देशवासियों को हर हर महादेव। हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में मंगल कामनाओं की कतार लगी रहे, मंगल होते रहें, उपलब्धियां हासिल करते रहें। इसी विचारधारा को साथ में लेकर के आज गौ गीता गंगा रक्षा मंच की टीम ने दिल्ली में शहीद पार्क में शिव स्वरूप बिल्व वृक्ष के अनेकानेक पौधों का रोपण किया, जिसमें काफ़ी सफलता मिली। सहयोगियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो साथ में रहे। साथ ही उत्तम नगर के विभिन्न मंदिरों में यथाशक्ति सहयोगार्थ भक्तगणों के लिए प्रसादी एवं भोग का वितरण, फलों का वितरण मंच के तत्वाधान में किया गया। आप भी सभी से ये विनती, ये प्रार्थना, ये निवेदन है कि आप सब भी इस पुनीत कार्य में हिस्सा लें और इस मंच से जुड़ कर के पुण्य के भागीदार बने, लोक और परलोक का सुदृढ़ीकरण करें। सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। गौ माता का हो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। और गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को कोर्ट से हटा करके जल्द ही कोर्स में शामिल किया जाए। इसी विचारधारा के साथ मैं वीके मिश्रा, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ गीता गंगा रक्षा मंच।